दोस्तों आज लाए हैं हम नाश्ते में स्नैक्स जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनते हैं, एकदम यूनिक आइटम है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, और ये नाप के लिए हमने लिए कटोरी। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, आप कटोरी गिलास कप कुछ भी ले सकते हैं। और ये एक कटोरी हमने बेसन ले लिया है, इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे, और छानना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम अब एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये हाफ चम्मच हमने लाल मिर्च डाल दी, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, और आवश्यकता अनुसार नमक, और हाफ चम्मच अजवाइन डाल दी है हमने इसमें। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारे बैटर में कोई लम्स वगैरह ना पड़े। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और ये देखिए बैटर हमारा खूब अच्छे से मिक्स हो चुका है। लेकिन हमें इसको और पतला करना है, और इसका जितना हमारा आटा है उसका 1.5 गुना हम इसमें पानी डाल लेंगे। अभी भी हमारा गाढ़ा है बैटर, इसमें और पानी डाल लेंगे। ये एक कटोरी हमने और डाल दिया है, ये 1.5 गुना पानी हमारा हो चुका है, ये देखिए। और अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, एकदम फ्रेश धनिया पत्ती है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ऐसी होनी चाहिए। इसको हम साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। गैस पर रखेंगे हम फ्राई पैन छौंक के लिए। तो ये गैस पे हमने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें हम तेल डाल देंगे, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने जीरा डाल दिया है, अब जीरा चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी हींग, क्योंकि हम बेसन की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें हींग तो डालना बहुत ज़रूरी है। और अभी इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और लगातार चलाते रहेंगे। और अभी हम डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें, हमने बारीक कटिंग कर ली है, और इसको डाल देंगे, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अभी हम डालेंगे इसमें घोल जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम लगातार स्पैचुला को चलाते रहेंगे, और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम रखना है। 2 मिनट में ही हमारा घोल गाढ़ा हो जाएगा, और हम लगातार चलाते रहेंगे स्पैचुला को, नहीं तो नीचे तली में हमारा घोल लग सकता है। ये देखिए घोल हमारा 2 मिनट में ही गाढ़ा हो चुका है, अभी 2 मिनट और पकाएंगे हम। घोल को पकाते हुए सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, और ये हमारे घोल ने देखिए डो का रूप ले लिया है। और अभी हम इसको एक परात में निकाल लेंगे, 10-15 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये डो हमारा तैयार हो चुका है, हम इसको परात में निकाल लिया है, और 10-15 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और 15 मिनट बाद देखिए डो हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, इसको हम चिकना हाथ लगा के और अच्छे से मसल लेंगे, मुलायम बना लेंगे, और फिर हम इसका बनाएंगे स्नैक्स का रूप देंगे हम। ये देखिए 1 चम्मच की मदद से हम नींबू आकार में डो को हम तोड़ेंगे, और हथेली में ऐसे लेते हुए इसको हम एक गोला बना देंगे नींबू आकार का, और हल्का सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ये देखिए गोल बना के हम इसको चपटा बना देंगे, और स्पैचुला की मदद से इसमें हम डिजाइन बना देंगे। ये जैसी कॉफ़ी की बीन्स होती है वो शेप हमने दे दिया है इसको। एक डिजाइन और बना के दिखा देते हैं हम आप। हम लोई बनाएंगे इस टाइप से, इसको हम हथेली में दबाएंगे हल्का सा, और इसको हम एक फ्लावर का रूप दे देंगे। ये देखिए फ्लावर हमारा तैयार है। इसी तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ये हमने दूसरी दी है एकदम बीन्स, जो कॉफ़ी बीन होती है उसका शेप दे दिया है हमने, ये फ्लावर का दे दिया है। और इसका हमें चपटा बनाएंगे और स्पैचुला से दबा देंगे। ये कॉफ़ी बीन्स
वाला सेब हमारा तैयार है। तो ये हमने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे स्नैक्स बने हैं। आप कोई भी इनको डिजाइन दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। गैस पे रख दी हमने कढ़ाई, तेल गरम करने के लिए तेल हमने डाल दिया है। तेल हमारा आउट चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे स्नैक्स, एक एक करके हम डालते जाएंगे। ये इस तरह से जितने हमारे कढ़ाई में आएंगे आराम से उतने ही डालने हैं हमें, ज़्यादा नहीं डालने हैं इसमें, नहीं तो हमारे स्नैक्स टूट सकते हैं। और इसको हम अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, 2 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पकने देंगे। और 2 मिनट बाद हम इनको एक चम्मच की मदद से पलट देंगे इनको। 2 मिनट हो गए हमारे स्नैक्स को फ्राई होते, अब इनको हम एक एक करके पलट देंगे चम्मच की मदद से। और 2 मिनट और हम इसको सेकेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स खूब अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने में हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं। और ये देखिए स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इनका टेक्सचर देखिए, इनका कलर देखिए, कितने करारे और खस्ता बने हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमने प्लेटिंग कर ली है। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक लाइक करना तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेटेड करता है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।